आई लव मुंबई फाउंडेशन आणि राहुल कनाल टीम यांच्या वतीने किती दसपास दस साल 10 वर्षापासून बांद्रा वंडर लैंड ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सगळ्यांना, खूब खूब शुभेच्छा। खरं म्हणजे नाताळ क्रिसमस प्रभु येशूचा जन्मदिवस म्हणून देशातने जगभरामध्ये साजरा होतो आणि दया क्षमा शांती प्रेम ही प्रभु येशूची शिकवण संपूर्ण जगाला देण्याचं काम या ठिकाणी प्रभु येशूने केलं। आणि म्हणून आज आपण फक्त कॅथलिक समाजाचेच नाही तर सर्व लोक, सर्व जाती धर्माचे लोक हा नाताळ आणि नवीन वर्ष साजरा करतात आणि जिकडे बघा तिकडे गर्दी झाली आहे, सगळीकडे क्राऊड आहे, अगदी तरुणांपासून महिलांपासून सर्व आबाल वृद्ध ज्येष्ठांपर्यंत सर्व रस्त्यावर आले आणि सगळीकडेच एक नवीन वर्षाचं जल्लोषामध्ये स्वागत आपण करतोय। मैं फिर एक बार सभी लोगों को फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और राहुल कनाल और उनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूं। ये जो प्रोग्राम है पिछले 10 साल से बांद्रा वंडरलैंड का ये कार्यक्रम, इसमें हजारों लोग शामिल है, आते आते बहुत समय लग गया पर ट्रैफिक जाम था, क्योंकि मैंने कहा है मुख्यमंत्री मैं हूँ लेकिन मेरे वजह से आम नागरिक को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए कोई भी ट्रैफिक रोकना नहीं, ऐसे पुलिस को मेरे पहले दिन से सूचना है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी इन्होंने कहा है कि वो पहले त्योहार पे पाबंदी थी, अभी सब पाबंदी हटा दी, दिवाली हो क्रिसमस हो सभी, ये हमारा मुंबई शहर जो है एक कॉस्मोपोलिटन सिटी है, इसमें सभी जाति पाति के लोग रहते हैं, वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, सभी लोग हैं और मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। और इसलिए सरकार ने सभी निर्बंध पाबंदियां सब हटा दिया, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारी परंपरा है, इसे आगे बढ़ाने का काम राहुल जैसे लोग करते हैं तो उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। अरे अभी ये क्रिसमस ट्री बहुत देखो कितनी बड़ी है, एक बुर्ज खलीफा है और तिरंगा भी है, भारत माता की, हाँ वो तो 22 जनवरी को उद्घाटन है उधर। आपको एक ही बात कहूंगा, तमाम सभी राम भक्तों का सपना था, हमारे इंदुरदेव सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का भी सपना था, वो आदरणीय मोदी जी ने पूरा किया है और इसलिए 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी है। और इसलिए मैं आशीष सिलार आ रहे क्या? अच्छा, स्थानिक विधायक आशीष शेलार भी यहाँ पर अभी पहुंच रहे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग के वजह से ये जो त्योहार है, ये फेस्टिवल जो है, ये बहुत रंग लाया है इसमें और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं।
स्थानिक नगरसेवक पण आपले रवींद्र म्हात्रे आहेत, त्यांचेही मनापासून मी अभिनंदन करतो, त्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा खूप खूप मनापासून शुभेच्छा. आता नवीन वर्ष 31 डिसेंबर येईल, याच्यामध्ये देखील आपण थोडी काळजी घेऊया. कोविड तर आपण पळवलेला आहे, कोविड काय येणार नाही वापस, पण थोडी काळजी घेतली पाहिजे. घाबरण्याचे कारण नाही, परंतु काळजी घेण्याचं आपल्याला आवश्यक आहे. आणि म्हणून पण आपले सण उत्सव, आपली परंपरा, आपलं कल्चर हे आपण जोपासण्याचं वाढवण्याचं काम अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करतो. आणि बांद्रा आणि हे सगळे आज येशू ख्रिस्ताचे सगळे अनुयायी अतिशय संतताप्रिय लोक आहे, बरोबर ना? और सभी लोगों को मैं फिर एक बार ये क्रिसमस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. 31st के लिए भी शुभकामनाएं, नए साल के लिए भी शुभकामनाएं. और कोई भी आपके त्योहार पे कभी निर्बंध नहीं आएंगे, पाबंदी नहीं आएगी. अभी मुंबई स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई, पोल्यूशन फ्री मुंबई हमें करना है. और इसलिए कॉर्पोरेशन के माध्यम से डीप क्लीन ड्राइव शुरू है. और यह सिर्फ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम नहीं है, यह सिर्फ मुंबई कॉर्पोरेशन का प्रोग्राम नहीं है, आप सब लोगों का प्रोग्राम है. और इसलिए हम मुंबई को, ये मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, इस शहर में देश से पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं. और इसलिए मुंबई को हम स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, निरोगी बनाएंगे और पोल्यूशन फ्री बनाएंगे. और सभी लोगों को अपने अपने तरीके से त्योहार मनाने की, सभी लोगों को आजादी है, सब लोग अपना अपना त्योहार मनाओ, खुशी से मनाओ, सभी लोग एंजॉय करो. इतना ही मैं कहूंगा. ये देशवासियों को, पूरे सभी लोगों को मैं क्रिसमस और नए साल के उपलक्ष में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. और राहुल कनाल और एक युवा नेता है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, सभी लोगों को साथ में लेता है और आगे बढ़ता है. इसलिए मैं राहुल कनाल को भी, उसके टीम को भी और यहाँ के स्थानिक विधायक आशीष शेलार जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.